नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद्यू। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सोमनाथ से जुड़े एक बहुत बड़े विवाद पर चर्चा करेंगे और सतयुग से कलयुग तक सोमनाथ मंदिर के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इसको किसने और कितनी बार तोड़ा। इसके साथ साथ आज गजनवी से जुड़े बहुत से सच आपके समक्ष प्रस्तुत होने वाले हैं, इसलिए वीडियो जरूर पूरा देखें। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे थंबनेल में लिखा गया है कि मक्के का बुत सोमनाथ कैसे बन गया या मक्के का बुत सोमनाथ में कैसे बदल गया, दोनों बातें हैं। इस एक इतिहासकार हैं जिनके बारे में आगे बताऊंगा मैं। उनका कहना है कि उसी बुत को यहां से ले गया और उसको नष्ट किया, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा बताया जाता है कि जो सोमनाथ मंदिर है वह अभी नष्ट हो गया। तो इन सभी बातों को जानेंगे। बहुत ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। शायद ऐसी ही जानकारी आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं मिलेगी। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और मेरे बहुत से वीडियो जो कि मैंने बनाए हैं उन्हें जरूर चेक करें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि प्राचीन ग्रंथ का कहना है कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण सबसे पहले सतयुग में राजा सोमराज ने सोने से किया था। फिर बात आती है त्रेता की, तो त्रेता में इसे रावण द्वारा चांदी से इसका निर्माण किया गया। उसके बाद द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा लकड़ी से इसका निर्माण किया गया और अंत में कलयुग में भीमदेन सोलंकी द्वारा पत्थर से इसका निर्माण किया गया। तो सतयुग से कलयुग तक की जो लाइन है उसे हमने समझ लिया। इसके साथ साथ पुरातात्विक खोजों से यह संकेत मिला है कि 1026 में महमूद गजनवी के आक्रमण से पहले मंदिर का से कम 3 बार पुनर्निर्माण किया गया था। अब इससे आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है। या तो ऊपर की बातें सही हैं, ऊपर की बातें मतलब जो सतयुग से कलयुग तक की बातें मैंने कही, वो वाली वही बात मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। या तो वो बातें सही हैं या फिर यह एक मंदगणन कहानी है। दोनों बातें तो हमारे समक्ष प्रस्तुत होती हैं। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इतिहास में इसे नष्ट करने का उल्लेख तो गजनवी को ही दिया जाता है। तो इसके विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ साथ गजनवी के बाद भी इस पर 3 बार हमला किया गया, जिसके बारे में आगे अभी चर्चा की जाएगी। अब हम हिंदू मैथियोलॉजी के अनुसार इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, सोमनाथ को पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है और इसका निर्माण मून गॉड द्वारा अर्थात चंद्रमा ने करवाया था, क्योंकि साथियों चंद्रमा का एक पर्यायवाची सोम भी है, इसलिए इसका नाम सोमनाथ पड़ा। ये कहाँ से है? हिंदू परंपरा की, हिंदू मान्यता की, हिंदू कहानियों के अनुसार इस बात को बताया जा रहा है। इसके साथ साथ कहानी के अनुसार ये बातें बताई जा रही हैं कि इसी के पास, ये तो सच ही है, ये कहानी तो है ही नहीं, कि सरस्वती नदी है। और कहा जाता है कि एक बार किसी श्राप के कारण ये जो गॉड मून है अर्थात चंद्रमा जी, ये अपनी चमक को खो देते हैं और इसी नदी में स्नान करने के परिणाम स्वरूप इनको वो चमक पुनः प्राप्त होती है। साथियों, इतिहास में साक्ष्य और प्रमाण में बहुत विवाद है। जैसे सोमनाथ का उल्लेख 805 से 833 एडी तक शासन करने वाले गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय के समय मिलता है और वहीं कुछ इतिहासकार इसके निर्माण का श्रेय चालुक्य राज मूलराज को देते हैं, जिसका टाइम पीरियड 997 CE बताया जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम अपना सेकेंड चैप्टर शुरू करते हैं, जिसमें किन बातों पर चर्चा की जाएगी उन्हें सबसे पहले जान लेते हैं। यहाँ पर महमूद गजनवी, मंदिर नष्ट करने के उद्देश्य और सोमनाथ के इतिहास और घटनाक्रम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले गजनवी के बारे में ही जानने का प्रयास करते हैं। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि तुर्क पहले फारसी थे। 18वीं से 19वीं सदी के आसपास इन्होंने इस्लाम स्वीकार करना प्रारंभ किया। तो आशा करता हूँ इस बात को आप समझ पाए होंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, गजनी राज जिसको यामनी वंश कहते हैं, इसकी जो नींव रखी थी उस व्यक्ति का नाम था अल्पदगीन। क्या नाम था? अल्पदगीन। और ये एक तुर्क शासक था। फिर इसका दामाद जिसका नाम सुवक्तगीन था, उसने गजनी वंश की नींव रखी। और इससे बड़ी बात मैं आपको यह बताता हूँ कि जब सुवक्तगीन गद्दी पर बैठता है तो अफगानिस्तान में हिंदुओं का शासन था और इनकी राजधानी काबुल थी। और इसके गद्दी पर बैठने के बाद 988 CE में सुवक्तगीन ने हिंदू शासक जयपाल पर हमला किया और संधि करने के लिए इसको बाध्य किया। फिर यहाँ पर जो हिंदू शाही थे वे अपनी राजधानी काबुल छोड़कर चले जाते हैं और ये सब
उदभंडपुर के पास अपना डेरा जमा लेते हैं, ऐसा बताया जाता है। अब इसके बाद अब हम गजनी के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो गजनी ने 1000 में ही पहला आक्रमण किया था और इसके बाद 1026 से 27 तक इसने 17 हमले किए। इसके साथ साथ इसके हमले के बारे में जो बातें हमारे समक्ष प्रस्तुत होती हैं, तो एक विद्वान है जिनका नाम है हेनरी एलियट, इन्होंने इसके 17 हमले को स्वीकार किया है। इसके साथ साथ यह सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था और इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि जब ये आक्रमण कर रहा था तो इसने संस्कृत युक्त चांदी के सिक्के भी जारी किए जिस पर लिखा था अब यक्ते मोहम्मद अवतार श्री सुल्तान महमूद। अब आइए जानते हैं सोमनाथ और गजनवी के बारे में। साथियों 1026 में इसका आक्रमण होता है और सोमनाथ को बुरी तरीके से लूटा जाता है, साथ ही साथ लिंग को भी तोड़ दिया जाता है और इस अपार लूट में वह अपने साथ 20 मिलियन दिनार की संपत्ति ले जाता है। यहीं पर मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ कि नादिर शाह दिल्ली से इतना धन लूट कर ले गया था कि उसे 3 साल तक कोई कर अपने राज्य में नहीं लगाना पड़ा था। इसके बाद ऐसा बताया जाता है कि 12 वर्ष बाद इसका फिर से निर्माण किया गया। अब आइए इसके उद्देश्य को जानते हैं। तो साथियों उसका उद्देश्य मंदिर को नष्ट करना लूटना तो था ही, इसके साथ साथ वह अपने आप को एक मुस्लिम आइकॉनिक के रूप में स्थापित करने का प्रयास भी किया, क्योंकि वह यहाँ से मंदिर को तोड़ा, धन लूट के ले गया, तो इसके बाद उसका काफी ज्यादा स्वागत भी हुआ। तो वही बात यहाँ पर बताई गई कि उसने मंदिर तोड़े और धन लूटे, तो इसके तौर पर उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर उद्देश्य अपने आप को एक मुस्लिम आइकॉनिक के रूप में स्थापित करना था। अब आइए अपने सबसे बड़े विवादित टॉपिक पर चर्चा करते हैं। साथियों जो इतिहासकार जिसके विषय में मैंने शुरुआती दौर में आपको बताया था उनका नाम है रोमिला थापर। इन्होंने काफ़ी स्टडी की है और काफ़ी बहुत सी बातें हैं, तो इतना ज़्यादा अगर बताया जाए, चूँकि किसी वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, मैं आपसे सच्चाई बता रहा हूँ और ये बात आप स्वीकार भी कर सकते हैं, मैं विश्वास करता हूँ। तो रोमिला थापर की बहुत सी स्क्रिप्ट भी है जिसके आधार पर इन्होंने बहुत सी बातें कही। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि 1026 के बाद मंदिर की स्थिति अनक्लियर है, ये ऐसी बहुत सी बातें इन्होंने प्रस्तुत की, लेकिन यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है वही मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो साथियों ये इतिहासकार हैं रोमिला थापर कहती हैं कि जब मुसलमानों ने 630 CE में मक्का पर नियंत्रण कर लिया तो वहाँ से 360 बुतों को नष्ट कर दिया गया, जिसमें 3 प्रमुख बुत थे। पहला था लात, दूसरा मनात और तीसरा उज्जा। लात और उज्जा को तुरंत ही नष्ट कर दिया गया, परंतु जो मनात था उसको कुछ लोग लेकर भारत चले आए और यहाँ पर स्थापित कर दिया, जिसे ही सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। ये मेरा तर्क नहीं है, रोमिला थापर जी कह रही हैं, नहीं तो आप सोचें कि उल्टा तरीके का ही वीडियो गलत वीडियो बना रहा है। तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, रोमिला थापर जी कह रही हैं, बस मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके साथ साथ 8वीं सदी से पहले सोमनाथ की कोई चर्चा नहीं होती, ऐसा तर्क है रोमिला थापर जी का, मेरा नहीं। आशा करता हूँ ये बात आप समझ पाए होंगे और उन्होंने किस आधार पर ये बातें कहीं ये तो वही बता सकती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों महमूद गजनवी को यह पता था, उन्होंने आगे बताया कि यह बुत कहाँ पर है, सोमनाथ में है, तो वह उस प्रतिमा को लेने यहाँ आया था और इसे लेकर गया और नष्ट कर दिया और अपने आप को धार्मिक शासक के रूप में स्थापित किया। जैसा कि मैंने शुरुआती दौर में कहा, तो हो सकता है कोई व्यक्ति मेरी बात से एग्री ना करे, तो वो रोमिला थापर जी की बात से एग्री कर सकता है, क्योंकि वो तो इतिहासकार हैं, मैं तो 20 साल का नवयुवक हूँ, मेरी तो कोई वैल्यू भी नहीं है और ना ही होनी भी चाहिए। इसके साथ साथ मैं कौन होता हूँ इन सब के बारे में टीका टिप्पणी करने वाला। इसके साथ साथ दोस्तों आगे जो बात बताई जा रही है, उन्होंने कहा कि जब बुत को नष्ट कर दिया तो उसने बुत सिकन की उपाधि भी धारण की। तो सबसे महत्वपूर्ण बात वही है कि इसने अपने आप को एक मुस्लिम आइकॉनिक के रूप में स्थापित करने के लिए मंदिर को नष्ट किया, ऐसा इतिहासकारों का तर्क है। तो कई बार इधर से तर्क ले लिए जाते हैं, तो कई बार इधर से तर्क ले लिए जाते हैं, तो बहुत से लोग हैं, कुछ लोग तो इस टाइप का भी वीडियो बना देते हैं कि जो मंदिर था वहां पर, ये तो सच है देवदासी प्रथा वाली बात हो सकती है, लेकिन अब इसको आधार बना के कोई बात कहे जाए ये भी उतना जायज नहीं लगती कि वहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार होता था, इसलिए उन महिलाओं ने खत लिखे और गजनी आकर उनको छुड़ाता है। तो भाई छुड़ाता है तो मंदिर नष्ट कर देता है, अब उनका कहना है कि वही आश्रयदाता था उसको नष्ट कर दिया, तो इस तरीके से बातें रहती हैं। तो मैं सोचता हूँ कि सभी बातें बता दी जाएं पक्ष विपक्ष, ताकि आदमी चारों तरफ से चीज़ों को
समझ सके, इसलिए मैं इस कहानी को भी बता दे रहा हूँ, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि एक ही पक्षी बात कर रहा है। तो जो प्रचलित मान्यताएं और कहानियां हैं वो भी जान लेना काफी ज्यादा जरूरी होता है। इसके साथ साथ जो राजा भीम हैं उनके द्वारा सोमनाथ का पुनर्निर्माण किया जाता है। अब आइए, जो मैंने शुरुआती दौर में कहा था कि गजनवी के बाद भी इसको नष्ट किया गया, तो वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने इसको दोबारा नष्ट किया, इसको अब हम समझने का प्रयास करते हैं। तो 1299 में अलाउद्दीन का एक सैनिक उलुग खान था, वह गुजरात पर हमला करता है और यहाँ के एक बाघेल शासक मतलब राजा थे जिनका नाम कर्ण था, उनको हरा दिया और फिर से दोबारा सोमनाथ को नष्ट किया गया। आप सोच सकते हैं कि कितनी बार इसको लूटा गया, नष्ट किया गया, फिर भी आज हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। और इसके निर्माण में भी काफ़ी बातें हैं, उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक यहां पर समझ लेते हैं। और औरंगजेब 1665 में इसको नष्ट करने का फरमान जारी करता है और उसने यहां तक कह दिया, मतलब नष्ट कर दिया जाता है। और एक बात और भी कट्टर होकर उसने कही कि अगर इसमें कोई पूजा करेगा तो इसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाएगा। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफ़ी रोचक लगी होगी और काफ़ी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा होगा। और तो इसे आपसे निवेदन है कि इसे अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, जिससे इस अमेजिंग वीडियो को सभी लोग जान सकें और चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके आगे का हिस्सा जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और इसके साथ साथ नेहरू जी के बीच एक कंट्रोवर्सी टाइप की स्थिति हो जाती है। फिलहाल गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों जी की मृत्यु हो जाती है इसके पुनर्निर्माण से पहले ही, और यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी होती है वो राजेंद्र प्रसाद जी और नेहरू जी के बीच होती है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण लाइन, नेहरू जी नहीं चाहते थे कि राजेंद्र प्रसाद किसी मंदिर में जाएं क्योंकि वे राष्ट्रपति थे, लेकिन राजेंद्र बाबू ने कहा कि मैं अपने धर्म से नहीं अलग हो सकता, मैं राष्ट्रपति हूँ, इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मेरा जो धर्म है मैं उससे अलग नहीं हो सकता। तो यही तर्क था और यही बात जो है, जब भूमि पूजन और अयोध्या वाला चल रहा था राम जी का, तो वहाँ पर भी यही लाइन दोहराई जा रही थी बार बार। तो आशा करता हूँ सभी बातों को आप समझ पाए होंगे। और जो इसके बाद काम किया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, क्योंकि जूनागढ़ जो था वो सोच रहा था कि हम भाग जाएं पाकिस्तान के साथ, तो वल्लभ भाई पटेल जी ने उसको पटक पटक के अपने मिला लिया, मतलब मजाक के तौर पर कह रहा हूँ, सैन्य कार्यवाही और तमाम प्रकार की कार्यवाही करके अपना किसी तरीके से काम चला के, क्योंकि उन्होंने बहुत से राज्यों को अपने में जोड़ा, बिस्मार्क जैसा काम किया। तो आशा करता हूँ आप पूरी बात को समझ पाए होंगे। तो अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो जरूर शेयर करें और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, जरूर साझा करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।